हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, आज ये आपकी जो है कोई एजुकेशनल क्लास नहीं भी कह सकते और कह भी सकते हैं, एजुकेशनल ब्लॉक ये रहने वाला है। कैसे रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ आपका जो हिमालयन नेचर पार्क है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में ये स्थित है, इसको मैं विजिट करवा रहा हूँ। एजुकेशनल ब्लॉग इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न आपका यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता है। बाकी आलू अनुसंधान जो केंद्र है यहीं पर है, बिल्कुल साथ साथ ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। बाकी आप जो मेरे साथ बने रह सकते हैं इस वीडियो में लास्ट तक, अगर आपने देखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो कुफरी में हिमालयन नेचर पार्क है ये आपका किस तरह का ये नज़ारा है, ये आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। बाकी आप देख सकते हैं कि मेरी जो आवाज़ भी है काफ़ी जो है कमज़ोर भी मैं हो गया हूँ, और आवाज़ भी मेरी जो है काफ़ी जो है खराश है, तो उस करके जो अभी आपको वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन जो जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये है हम हिमाचल प्रदेश के जो कुफरी एक जगह है, और जो हिमालयन नेचर पार्क आपका यहाँ पे है, इसका एंट्रेंस आपको मैं दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका जो ये देखने को बिल्कुल ये बनता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये एजुकेशनल ब्लॉक आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो इसके माध्यम से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपके पास जो हिमालयन नेचर पार्क या हिमालयन बोटेनिकल गार्डन भी इसको कहा जाता है, तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कुफरी में है। बिल्कुल इसके साथ ही आपने एक और सुना होगा आपका जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान। अगर आप देख पा रहे तो मैं थोड़ा सा नज़दीक लेकर आपको दिखाता हूँ, तो आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान आपका संस्थान, ये भी आपका शिमला में, जो कि कहाँ पे, बिल्कुल आपका जो हिमालयन नेचर पार्क जो आपका है बिल्कुल इसके साथ ही ये आपका रहने वाला है। आज से पहले मैं कभी नहीं गया, लेकिन आज जो मेरा शिमला में लास्ट डे है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें विजिट करके आपको जो इसका अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। कुफरी का ये है, तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ के टिकट लेने पड़ते हैं। टिकट का जो प्राइस है आप ये देख सकते हैं। तो जैसे ही आप टिकट लेने के बाद अंदर की ओर चलते हैं तो आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस। बाकी आपको मैं आगे बताता हूँ, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे एरो लगे हैं, ये कुछ यहाँ पे म्यूजियम आप इसको कह सकते हैं, म्यूजियम है ये बना हुआ। यहाँ दिखती क्या लिखा है इसमें, तो ये कुछ इस तरह का है आपके पास स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे अंदर आते हो। आई होप आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप यहाँ से नीचे की ओर उतरते हैं तो कुछ इस तरह से है आपका ये हिमालयन नेचर पार्क जो है आपका कुफरी में। तो ये भी कुछ म्यूजियम है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो धीरे से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि इतना जो है एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ कि आपको जो प्रॉपर दिखा पाऊँ, लेकिन मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप शिमला आए हो तो आपका जो हिमालयन नेचर पार्क यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो हिमालय बोटेनिकल गार्डन भी इसको कहा जाता है, और एक प्रश्न आपका जो है एग्ज़ाम में भी देखने को बनता है, तो ये है आपका हिमालयन नेचर पार्क जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है बोर आप इसमें ना हो, हालाँकि आजकल एजुकेशनल वीडियो आपकी नहीं आ रही है, उसके पीछे रीज़न है। आवाज़ मेरी आप सुन सकते हैं अभी, तो बिल्कुल कैमरा बिल्कुल जो फ़ोन है मेरा फ़ोन बिल्कुल आपके जो है बिल्कुल नज़दीक है, तो उस करके आप जो है सुन सकते हैं, लेकिन जो है वीडियो बनाती बार जो है थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि जो है साउंड की प्रॉब्लम इसमें रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है या फिर ये बनाए गए हैं, कुछ इस तरह से है आपका हिमालय नेचर पार्क जो कि आपके शिमला के कुफरी में है। तो यहाँ पर अलग अलग जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, हालाँकि इनके इसमें नाम लिखे गए कि ये आपके कौन कौन से हैं, जंगल गेट लिखा है यहाँ पर। चलिए इसके बाद बाकी आपको मैं बाहर दिखाता हूँ, बाहर चलते हैं ज़रा क्या है इसमें। बाकी जो टिकट की अगर मैं बात करूँ, एडल्ट जो आप हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो मैंने यहाँ पे दो टिकट लिए थे। आई होप आप इसमें जो देख पा रहे होंगे, अगर ये क्लियर होगा, हालांकि ये क्लियर नहीं है, तो इसमें दो टिकट आपकी जो है, एक टिकट आपकी 50 रुपीज़ का पड़ा है एडल्ट के लिए। तो फाइनली हम नेचर पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं, तो आप पीछे देख सकते हैं, हालांकि फ्रंट कैमरा से मुझे नहीं लगता, फ़ोन से मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूं कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अभी तो फ़िलहाल हमें हिरन ही देखने को मिले हैं, तो हिरन तो आप सभी ने देखे ही होंगे, तो अभी तक हिरन ही इसमें नेचर पार्क में देखने को मिले हैं। बाकी बैक कैमरा से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे जब काउंटर पे हमने पूछा तो वहाँ पे बताया था कि आपके इसमें जो भालू मिलेंगे, इसके अलावा तेंदुआ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपको मिलता है, बाकी जो है आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आपको दो तीन चीज़ें मैंने पहले भी क्लियर करा दी है और एक बार फिर से करवा देता हूँ, हो सकता है वो शॉट मैं आपको ना डाल पाऊँ।
तो शॉर्ट आपके लिए ये था कि हिमालय नेचर पार्क जो आपका है ये कहाँ पे, आपके शिमला की ये कुफरी में स्थित है। लेकिन इसके अलावा जो है मैं बात करूँ जो आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, सिमिलर क्वेश्चन आपके दोनों देखने को मिलते हैं। तो आपका जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो ये आपके कुल्लू में है। आलू अनुसंधान केंद्र ये आपका कुफरी में है, यहीं कुफरी में जहाँ से आपको मैं विजिट करवा रहा हूँ। नेचर का नज़ारा अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपको देख सकते हैं इस तरह। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जैसे आपके जो एक छोटा सा दिख रहा है ये हिरन है, बाकी हिरन आपने देखे ही होंगे। बाकी आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये है आपके शिमला के हिमालयन नेचर पार्क का नज़ारा, देख सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहें तो देख सकते हैं। जो नेचर प्रेमी हैं, जो आपके नेचर लवर हैं, उनके लिए ये काफ़ी सुनहरा अवसर हो सकता है। ये है कोई जानवर, अब इसमें क्या नाम है इनका मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े हैं। अच्छी बात ये है कि हम जो है बाहर है और ये अंदर है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो इनको ये मत समझिएगा कि इनको यहाँ पे कैद करके रखा गया है, इतना बड़ा एरिया इनके लिए यहाँ पे कवर किया गया है। अगर आप आए तो कम से कम आपको एक से डेढ़ घंटा विजिट करने में लग जाएगा इस नेचर पार्क में। तो यहाँ पे ये बड़े आराम से रह रहे हैं आप ये कह सकते हैं। हालाँकि जो एक निर्धारित एरिया है इससे बाहर ये नहीं जा सकते, इनको संरक्षित यहाँ पर किया गया है। यहाँ पे आवाज़ें आ रही है जानवरों की, ऐसा ना हो कि आपकी वीडियोस जो एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए प्लान करके चला हो उन वीडियोस को यहीं आपका जो है फुल स्टॉप लग जाए, ऐसा ना हो। चलिए देखते हैं कौन सा जानवर है। आवाज़ें तो आपकी काफ़ी भयानक आ रही थी, देखते हैं ज़रा आपका नेचर पार्क। फिर से याद दिला दूँ, हम घूम रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में, एक जगह है कुफरी, पर्यटन आपका जो ये क्षेत्र है, पर्यटन स्थल है आपका। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी ओर से। मैंने आज से पहले इस तरह के ब्लॉग आप इसको नहीं कह सकते, ये एजुकेशनल चैनल है तो एजुकेशनल ब्लॉग आप इसको कह लीजिए, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को बनता है। तो यहाँ पे है तेंदुआ, है ये तेंदुआ है और यही आवाज़ें कर रहा था और वह मैं डरा रहा था बीच से। तो ये तेंदुआ काफ़ी, ये दो तेंदुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका ये बर्फ़ानी तेंदुआ, जो कि आप पढ़ते हैं कि बर्फ़ानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जिसे कहा जाता है। तो ये है आपका स्नो लेपर्ड, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के कुफरी में जो आपका नेचर पार्क है, हिमालयन नेचर पार्क, यहाँ पे इसको जो है संरक्षित करके रखा गया है। इसको आप देख सकते हैं, ये कुछ इसकी हिस्ट्री लिखी है, अगर आप इसको देख सकते हैं तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला है, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर रह रहा है मज़े से। तो यही तो है हिमाचल प्रदेश की खासियत कि यहाँ पे जानवर जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आगे का नज़ारा है आपके शिमला के नेचर पार्क का। अपनी ओर से तो वीडियो मैंने कोशिश की है बेहतर बनाने की, हो सकता है कि आपको ये ब्लर दिखे, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो जो है मेरी, चाहे एजुकेशनल वीडियो है चाहे ये वीडियो है, ये सभी शूट होती है एक फ़ोन से, और फ़ोन भी आपका नॉर्मल रेंज का, सिर्फ आपके ड्यूल कैमरा है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्नो लेपर्ड हमने यहाँ पे देख लिया है, कॉमन लेपर्ड भी इसको लिखा गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये चिड़िया बैठी है, मुझे लगा ये डस्टबिन होगा लेकिन ये नहीं है, होना तो चाहिए था। नहीं नहीं, ये चिड़िया ही, ये आपका शो पीस है, और ये तेंदुआ, तेंदुए को गुस्सा आ गया है, आवाज़ है आप सुन सकते हैं। अगर ये कुछ जो आपके पर्यटक आते हैं ये इन्हें चिढ़ाते रहते हैं, ये गलत बात है, इन्हें परेशान किया जाता है, दिन भर इसी तरह से परेशान करेंगे तो ये जाहिर सी बात है आवाज़ें ये करेंगे। और ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन ये जानवर जो है ये इरीटेट हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। आइए आराम से देखिए और उसके बाद आप जो इनको परेशान ना करें। अगर आप इस तरह से इनको छेड़ोगे तो ये तो फिर आपका इस तरह से आपको नहीं कह सकते कि आप जो है एनिमल लवर हो। ये तो ये है कि अपने एंजॉय के लिए किसी और को इरिटेट करना।
तो ये कुछ पर्यटक है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, लेकिन जो है मैं जाती बार इन्हें ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से आपको जो है जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। सुंदर सा ब्रिज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हिमाचल प्रदेश में हिमालय नेचर पार्क का नज़ारा। मैंने कोशिश की आपको जो है दिखाने की। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है, बाकी आप जो है क्लासेस में मेरे साथ बने रह सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपके अपनी क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में। बाकी आप जो है इन्जॉय करिए इस वीडियो को, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो पीछे जाकर आप फिर से इसको देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को।